इस विदेशी एक्टर को सपने में दिखता था मृत बेटा, हरिद्वार में कराना पड़ा था श्राद्ध। क्या आप जानते हैं कि हॉलीवुड का एक दिग्गज एक्टर भी अपने मृत बेटे की आत्मा की शांति के लिए उसका श्राद्ध कर चुका है। इतना ही नहीं, एक्टर ने अपने बेटी का श्राद्ध हरिद्वार में पूरे विधि विधान के साथ किया था। दोस्तों, वैसे तो हम सब जानते हैं कि 2 अक्टूबर को ही अमावस्या के साथ ही पितृपक्ष का समापन हो गया है। शास्त्रों में पितृपक्ष का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि पितृपक्ष के दिनों में पूर्वज हमें आशीर्वाद देने धरती पर आते हैं। इन पवित्र दिनों में जो लोग अपने पितरों का विधिवत श्राद्ध करते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण करते हैं, उनका जीवन हमेशा खुशहाल रहता है। आपने पितृपक्ष में श्राद्ध करने की परंपरा के बारे में केवल सनातन धर्म में ही सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हॉलीवुड का एक दिग्गज एक्टर भी अपने मृत बेटी की आत्मा की शांति के लिए उसका श्राद्ध कर चुका है। इतना ही नहीं, एक्टर ने अपने बेटी का श्राद्ध हरिद्वार में पूरे विधि विधान के साथ किया था। दोस्तों, अगर आप इस फेसबुक पेज पे नए हैं तो इसे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। आपको बता दें कि जिस एक्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है अमेरिकन एक्टर सिल्वेस्टर स्टेलोन, जिन्हें फैंस रॉकी के नाम से भी जानते हैं। सिल्वेस्टर स्टेलोन ने साल 2015 में अपने बेटे से स्टेलोन का श्राद्ध करवाया था। इन एक्टर का बेटा साल 2012 में लॉस एंजेलिस स्थित अपार्टमेंट में मृत पाया गया था। शुरुआत में बताया गया था कि इसकी मौत ड्रग्स के ओवरडोज से हुई थी, लेकिन बाद में हार्ट अटैक की बात सामने आई। बेटे की मौत के बाद सिल्वेस्टर पूरी तरह टूट चुके थे। उनका पूरा परिवार एक गहरे सदमे से गुजर रहा था, पर अचानक साल 2015 में ये मामला दोबारा चर्चा में आया जब सिल्वेस्टर ने ऋषिकेश के एक ज्योतिष को फोन कर बताया कि उनका मृत बेटा उन्हें सपने में दिखाई देता है। तब ज्योतिषचार्य ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें अपने मृत बेटी का पूरी विधि विधान के साथ श्राद्ध कराना चाहिए। ईसाई होने के बावजूद सिल्वेस्टर बेटी का श्राद्ध कराने के लिए राजी हो गए, लेकिन सिल्वेस्टर ये जानते थे कि भारत में बेटी का श्राद्ध कराना उनके लिए आसान नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने अपने भाई माइकल और उसकी पत्नी को बेटी का श्राद्ध कराने की जिम्मेदारी दी थी। शास्त्रों में ये कहा गया है कि परिवार का कोई भी सदस्य ब्लड रिलेटिव हो मृतक के लिए श्राद्ध करा सकता है। गौर करने वाली बात ये है कि उन्होंने पितृपक्ष की उस तिथि को श्राद्ध कराया जिस पर एक्सीडेंट या मर्डर में मारे गए लोगों का श्राद्ध होता है। अर्पण, तर्पण और समर्पण भारतीय संस्कृति के आधारभूत स्तंभ है। आज हम जो भी है वह माता पिता और पूर्वजों के आशीर्वाद से है, इसीलिए पितृपक्ष आत्म अस्तित्व और जड़ों से जुड़ने का दिव्य महोत्सव है। अपने पूर्वजों के प्रति स्नेह, विनम्रता, आदर व श्राद्ध भाव से विधि पूर्वक किए जाने वाला मुक्त कर्म ही श्राद्ध है। भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य पर 3 प्रकार के प्रमुख ऋण माने गए हैं, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। इनमें पितृ ऋण सर्वोपरि है। पितृ ऋण में पिता के अतिरिक्त माता तथा वैसा बुजुर्ग भी सम्मिलित है जिन्होंने हमें अपने जीवन धारण करने तथा उसका विकास करने में सहयोग किया था। वैसे आप पितृपक्ष के श्राद्ध के बारे में क्या कहना चाहते हैं, हमारे साथ साझा जरूर करिए। अभी के लिए केवल इतना ही।